नमस्कार दोस्तों गाइस, मार्क्सन फार्मा आप कह सकते हैं रिटेल निवेशकों को इस क्वार्टर के नंबर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार का इसने रिटर्न दिया है, इसने बहुत से निवेशकों को अपने पास अट्रैक्ट किया हुआ है। प्लस वो निवेशक जिन्होंने आप कह सकते हैं, मैं कहूँगा जिगर दिखा के आज भी स्टॉक को रखा हुआ है, जिनके पास ये 40-50-60 रुपए के आसपास हैं, उनको स्टॉक ऑलरेडी दुगना करके पैसा दे चुका है दोस्तों। और अब मैं आपको, ये मुझे ये लगता है कि आपको रिजल्ट, ये मेरी पर्सनल व्यू हो सकती है, इसलिए नहीं देखना है कि स्टॉक के इस रिजल्ट के बाद क्या स्टॉक यहाँ से रैली कर जाएगा, क्या स्टॉक यहाँ से क्रैश हो जाएगा। मेन आपका रीज़न ये होना चाहिए कि यहाँ से क्या जो एक ग्रोथ की ओर हमारी नज़र रही है स्टॉक के ऊपर, क्या नंबर्स उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, गिर भी जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक एक ग्रोथ जो हमने सोची है स्टॉक इसमें अगर दिखाएगा इसके नंबर्स में, तो हर एक डिप बाइंग की आपको अपॉर्चुनिटी देगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के लिए दोस्तों सबसे पहले कंसोलिडेटेड नंबर पर जाएंगे, फिर स्टैंड अलोन में देखेंगे और जानेंगे किस तरह के रहे नंबर्स दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले भाई रिजल्ट्स जो हैं वो मिलियंस में हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे, धंधे के बेसिस पे किस तरह के नंबर्स आए हैं। इस बार हुआ है दोस्तों लगभग 500 करोड़ का धंधा, एक साल पहले दोस्तों ये 433 करोड़ का था, और एक क्वार्टर पहले दोस्तों ये 485.9 करोड़ का था। तो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ऑपरेशनल फ्रंट में हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करें अदर इनकम की, इस बार 10 करोड़ है, एक क्वार्टर पहले ये 11 थी, एक साल पहले ये 16 करोड़ रुपीस थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 510 करोड़, एक साल पहले ये 450 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले ये 496.9 यानी 497 करोड़ थी। यानी आपको दिख रहा होगा ओवरऑल इनकम में जो एक ग्रोथ है उनको साफ झलक रही है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बोलेंगे कि भाई ये उतनी बढ़ोतरी नहीं है, तो भाई जिस प्रकार की रैली आप कह सकते हैं रैपिड ग्रोथ में था, उसके बावजूद ऐसी नंबर देना, इट्स ग्रेट। और 450 करोड़ से सीधा आप देखेंगे 500 करोड़ कंपनी ने पार कर लिया, विच इज़ गुड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, भाई खर्चों की बात कर लेते हैं हम, खर्चे कैसे आए हैं। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप चेक करेंगे 151 करोड़, एक साल पहले 180 करोड़। ठीक है, यानी आप समझिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कितनी बड़ी गिरावट है ये, एक साल पहले, एक क्वार्टर पहले ये 112 करोड़ थी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड की, 114 करोड़, एक साल पहले ये मात्र 34 करोड़ था। तो ये एक बड़ी है दोस्तों इनमें, आप कह सकते हैं चीज़ों में। अब एक क्वार्टर पहले 162 करोड़ थी। इन्वेंट्रीज देखेंगे तो 23.7 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक क्वार्टर पहले 30 करोड़ की थी, एक साल पहले ये आप कह सकते हैं 10 लाख रुपए की थी। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस देखेंगे 68.2 करोड़, जो एक साल पहले 56 करोड़ थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की, 13 करोड़ की रही है, 13.5 करोड़ के ऊपर है, एक साल पहले ये 11 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले ये 139 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 87 करोड़, एक क्वार्टर पहले 89 करोड़ थी ये, एक साल पहले 89 करोड़ थे, माफ़ कीजिएगा, एक क्वार्टर पहले 71 करोड़। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल खर्चा जो निकल के आएगा दोस्तों वह है 413 करोड़, एक साल पहले ये 373 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले ये 392 करोड़ रुपीस थे। और इसके मद्देनज़र आप देखेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, टोटल एक्सपेंस तो निकल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आएगा वो है 96.8, ऑलमोस्ट 97 करोड़। एक क्वार्टर पहले ये 104 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर था, एक साल पहले ये 76.4 करोड़। शानदार जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं थोड़ी सी आप कह सकते हैं कमजोरी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब ये चीज़ें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बढ़ गया है क्या, घट गया है क्या, इसकी बजाय क्या ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है, ये देखना है दोस्तों। तो आप देखेंगे तो जी हाँ, ग्रोथ की ओर अग्रसर तो है कंपनी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए, और बिजनेस वही अच्छा होता है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहे। अगर ये भैया ऊपर ही चलते चला जाएगा तो फिर तो शक पैदा होने लगता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आई है। देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड है 87.2 करोड़, जो एक साल पहले 67.9 थी, एक क्वार्टर पहले 87.9 थी, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। ईयर ऑन ईयर शानदार जंप, 1.46 से ईपीएस दोस्तों 1.52 यानी 1.5 रुपये के ऊपर है। हाँ, एक क्वार्टर पहले ये 2 रुपये के आसपास पहुंच गई थी, तो वहाँ से कमी देखने को मिल रही है। अब देखिए,
जिस प्रकार से स्टॉक बहुत ज्यादा रनअप दिखा चुका है, उसे देखेंगे तो लगेगा यार शायद आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिले, क्योंकि तमाम चीजें जो भी कह सकते हैं तेजी थी वो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है। लेकिन क्या इतने खराब नंबर्स आ गए कि भैया ये तो यहाँ से स्टॉक क्रैश हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बहुत तेजी है, शायद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली हो दोस्तों। अब चलते हैं बात कर ले भैया स्टैंड अलोन नंबर्स की। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 182 करोड़, एक साल पहले 159, एक क्वार्टर पहले 153 करोड़। बात करें अदर इनकम की 32 करोड़ है, एक क्वार्टर पहले 4 करोड़ थी, एक साल पहले 19.4। आप इन सबको जोड़ लें टोटल इनकम क्या निकल के आएगी भैया 214 करोड़, एक क्वार्टर पहले 157 थी, एक साल पहले 178.5 करोड़ थी। ठीक है, यानी देखें तो स्टैंडर्ड ऑन बेसिस में भी काफ़ी अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है। आप खर्चे देखेंगे, आप सबको जोड़ लें टोटल एक्सपेंस कितना निकल के आएगा 160 करोड़, जो एक साल पहले 152 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 134 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना ही है भैया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 54 करोड़, जो एक साल पहले आप देखेंगे 25.7 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 22.8 करोड़ थी दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में, वन सेकेंड। तो आप यहाँ पाएंगे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पीरियड ऑफ द पीरियड आप हो गई है दोस्तों 44 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 17 करोड़ थी, एक साल पहले 19 करोड़ थी। ठीक है, आप देखें ईपीएस स्टैंड अलोन बेसिस पे 0.47 जम करके 0.498 हो गई है, एक क्वार्टर पहले 0.43 थी दोस्तों। तो आप देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस में एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा दबाव है, बट ओवरऑल मुझे लगता है बिजनेस जो एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में होना चाहिए उस ट्रैजेक्टरी में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मजबूती, ये जो आप कह सकते हैं बढ़ोतरी है, ये ऑलरेडी शायद प्राइस इन हो चुकी होगी। अब देखना ही होगा क्या मंडे को एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है या स्टॉक और शानदार रैली दिखाता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।